किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीबीएम यानी कि डायमंड बैक मॉस जो इल्ली होती है उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। ये कौन कौन सी फसलों को नुकसान पहुंचाती है, कब इसका अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है, कौन कौन से बेस्ट इंसेक्टिसाइड हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, तो वो भी बात करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, यदि हम डीबीएम की बात करें, डायमंड बैक मॉस जो इल्ली होती है, ये सबसे ज़्यादा जो अटैक करती है हमारी जो ब्रेसिका क्रॉप होती हैं उनके अंदर इसका ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। ब्रेसिका क्रॉप में जैसे कि हमारी कैबेज, बंद गोभी, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी के अंदर काफ़ी अटैक होता है, ब्रोकोली के अंदर, कोलरबी के अंदर, केल के अंदर, तो इन फसलों के अंदर बहुत ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है जो हमारा डीबीएम इल्ली होती है, और ये इन फसलों को पूरी तरीके से लगभग डिस्ट्रॉय कर देती है यदि इसका अटैक ज़्यादा हो जाए। और इसको कंट्रोल करना भी बेहद ही डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसकी बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है यदि जो टेम्परेचर है इसके फेवरेबल हो, इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर हो। जैसे कि यदि टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है तो ये हमारे फसलों पर बहुत तेज़ी से अटैक करती है। ड्राई वेदर हो, 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर हो तो तेज़ी से अटैक करती है। जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता है अटैक इसका होता है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो धीमी पड़ जाती है तो उतना ज़्यादा अटैक नहीं देखने को मिलता है। लेकिन इसके फेवरेबल कंडीशन में ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है, कंट्रोल करना बेहद डिफ़िकल्ट होता है, और बहुत हमारी जो फसल है बंद गोभी, फूल गोभी, इनको ये डिस्ट्रॉय कर देती है पूरी तरह। ये अटैक कैसे करती है, देखिए इसका जो लार्वा होता है, सबसे पहले हम डीबीएम के लाइफ साइकिल को समझें तो इसका एक एडल्ट होता है तितली, तो वो अंडे देती है, हमारे जो पत्ती होती हैं पत्तियों पर अंडे देती है, एग से हैचिंग होकर के लार्वा निकलता है और ये लार्वा हमारी फसलों की जो पत्तियों को खाकर डैमेज कर देता है, बुरी तरीके से पत्तियों को खा जाता है, बहुत तेज़ी से पत्तियों को खाता है। और उसके साथ साथ फिर इसके बाद लार्वा के नाम बाद जो इसकी स्टेज होती है वो है प्यूपा, प्यूपा के बाद फिर ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है, तो ये इसका लाइफ साइकिल होता है। लेकिन जो हमें डायरेक्टली हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है वो है लार्वा, डीबीएम का जो लार्वा होता है वो डायरेक्टली हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, पत्तियों को खा जाता है, कर्ड बन रहा है या हेड बन रहा है उसमें, बंद गोभी में या फूल गोभी में कर्ड बन रहा है तो कर्ड को भी खा करके डैमेज करता है बुरी तरह। तो इसको हमें इमीडिएट कंट्रोल करना चाहिए और इसके लिए हमें कंटिन्यू दो स्प्रे तो मिनिमम लेने चाहिए किसी अच्छे इंसेक्टिसाइड के। हम बात करें कि इस पे कौन से जो इंसेक्टिसाइड है वो बेहतर काम करते हैं डीबीएम पर, यदि हम बात करें कि इसमें कौन से जो इंसेक्टिसाइड है वो अच्छे काम करते हैं डीबीएम पर, तो देखिए पहला आता है हमारा सिंजेंटा कंपनी का प्रोक्लेम के नाम से, इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट होता है, बहुत अच्छा काम करता है। और जो इमामेक्टिन बेंजोएट टेक्निकल है किसी अदर कंपनी के अदर ब्रांड में मिलता है वो भी आप ले सकते हैं, आपको टेक्निकल ध्यान रखना है बस इमामेक्टिन बेंजोएट, तो ये टेक्निकल बहुत ही अच्छे से वर्क करता है डीबीएम पे। देखिए डीबीएम पे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट वो दिखाते हैं जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड के अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, यानी कि स्प्रे किया वो पत्तियों के आर पार हो जाए, क्योंकि इसकी जो लिए ज़्यादातर जो हमारी पत्तियों की निचली सतह पर देखने को मिलती है, नीचे की तरफ से पत्तियों को खाती है, तो इसलिए ट्रांसलेमिनार एक्शन वाले इंसेक्टिसाइड ज़्यादा इफेक्टिव इस पे होते हैं। तो जो प्रोक्लेम आता है सिंजेंटा का, इमामेक्टिन बेंजोएट होता है उसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, बहुत अच्छे से जो डीबीएम इल्ली है उसको ये कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ हमारा एक और आता है कोराजन के नाम से, जिसमें क्लोरएंट्रा निलीप्रोएल जो टेक्निकल है वो हमें देखने को मिलता है, तो कोराजन भी बहुत अच्छा काम करता है जो हमारा डीबीएम इल्ली है, डायमंड बैक मॉस इल्ली है, इस पर बहुत अच्छा काम करता है, उसके अंदर भी ट्रांसलेमिनार एक्शन हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ एक और जो इंसेक्टिसाइड इस पर बहुत अच्छा काम करता है वो आता है पेगासस के नाम से, जिसमें डाइफेंथ्यूरॉन जो टेक्निकल है वो देखने को मिलता है। तो देखिए डाइफेंथ्यूरॉन वैसे तो ये सकिंग पेस्ट पे अच्छा काम करता है, जैसे थ्रिप्स के पे और जो हमारा माइट्स है उन पे भी ये काम करता है डाइफेंथ्यूरॉन, लेकिन ये डीबीएम पे भी अच्छा काम करता है, ये डायरेक्टली जो डीबीएम के लिए बहुत इफेक्टिव कंट्रोल देता है, केवल जो बड़े कीट में ये केवल डीबीएम को ही कंट्रोल करता है और उसको बहुत ही इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। तो डीबीएम के लिए स्पेशली आप इसका भी यूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ सकिंग पेस्ट को तो ये कंट्रोल करता ही है और ये डीबीएम जो इल्ली है उसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है हमारी फसलों पर, तो आप उसका भी स्प्रे में यूज कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी जो कीटनाशक है आप वो लेके अपनी फसलों पर स्प्रे करेंगे, मिनिमम एक हफ्ते के अंदर से दो स्प्रे ले लें
तो जो कीट है वो आपका अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।